हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर्स। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो सबसे पहला है कि केमिकल रिएक्शन, द केमिकल चेंजेस अकर्स इन द सब्सटेंस नॉन एज द केमिकल रिएक्शंस। ओके, यह द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इन टू द न्यू सब्सटेंस। तो उसी को ही तो क्या बोलते हैं, यानी जब भी अपने पास कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो चेंजेस दो टाइप्स के होते हैं, द फर्स्ट वन इज द फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड वन इज द फिजिकल, एक तो से फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड वन इज द केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस नो ऑल्सो नॉन एज द केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, द कार्बन्स बर्न्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी ये इस कंडीशन में क्या हो रहा है, द कार्बन्स बर्न्स एंड गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अपन को फिर से कार्बन्स नहीं मिल सकता है। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस किस टाइप का चेंजेस है, आपका आपका केमिकल चेंजेस है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। जब ये प्रोसेस हो रही होगी उस टाइम कहेंगे केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। ओके, इस तरीके से मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड से आपको फिर से मैग्नीशियम्स नहीं मिल सकता है। तो ये जो चेंजेस है, ये किस टाइप का चेंजेस है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर आइस थी, आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर, तो वो कंडीशन में वो आपका फिजिकल चेंजेस है। बिकॉज द आइस, अपन फिर से वाटर से आइस को प्राप्त कर सकते, तो वो वहां पे क्या रहेगा, आपका केमिकल फिजिकल चेंजेस रहेगा, वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस इन द नेचर। द ऑल द केमिकल चेंजेस आर नोन एज द केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे हुआ बात कि नेक्स्ट रहेगा कि हाउ टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शंस हैज टेक प्लेस। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास की रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो यहाँ पे अपने पास होते हैं कुछ मेथड्स। उस कंडीशन में फर्स्ट वन इज द चेंज इन द कलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्सटेंस का कुछ कलर चेंज हो जाता है या सोल्यूशन का कुछ कलर चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे कि वहाँ पे जो फिजिकल, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो रहा है तो क्या कहेंगे अपन कि केमिकल रिएक्शंस हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले व्हाइट था, पहले ग्रीन हो गया है, या ग्रीन था तो व्हाइट हो गया है, या फिर आपका ब्राउन था तो रेडिश हो गया। इस तरीके से किसी भी तरीके से अगर कोई कलर चेंज होता है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ओके, इसी तरीके से सेकंड रहेगा कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर वहाँ पे कुछ गैस निकल रही हो बाहर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, किसी भी तरीके से आपको गैस निकलती हुई दिखाई देती है या फिर महसूस होता है, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे अपन कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। इसी तरीके से अगर स्मेल में चेंज हो जाता है, वहाँ पे स्मेल चेंज हो गई, तो इस स्मेल चेंज हो गई तो वहाँ पे कहेंगे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया है, टेम्परेचर मान लो पहले आपका ठंडा था, थोड़ा सा गर्म हो गया या ज़्यादा गर्म हो गया है, या फिर उसमें ठंडा हो गया है, इस तरीके से अगर उसके टेम्परेचर में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या कहेंगे, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। या फिर स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज मीन्स कि सॉलिड था, लिक्विड में आ गया है, लिक्विड था तो थोड़ा सा सॉलिड बन गया, कभी प्रेसिपिटेट्स बनते ना, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और कैसे पता चलेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस इज टेक प्लेस। तो उसके बाद यानी बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आपको समझ में आ गई, तो केमिकल इक्वेशंस का क्या मतलब है सर। इक्वेशंस का मतलब मैथ्स में सुना ही होगा आपने कि जब उस इक्वेशंस होती है मैथ्स के अंदर। अब इक्वेशंस का मतलब होता है द सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड सिम्बोल इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ यानी सब्सटेंस होगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों ही कंबाइन होके क्या करेंगे, एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से बताऊं कि यहाँ पे जो कार्बन था, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस की और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ रिएक्शन होती है, लेकिन जब ये स्टेटमेंट्स होता है, जैसे ये देखिए, कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड।
ओके, कार्बन इन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कार्बन, ये जो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट था, ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, ठीक है। और इन बड़े से स्टेटमेंट के आगे जाके क्या होती है, स्टेटमेंट और भी बड़े होते चले जाते हैं, तो उस स्टेटमेंट को लिखना और रिप्रेजेंट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इस कंडीशन में उनको क्या करते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला, जैसे देखिए आप कि जो कार्बन था, कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया इसका जो मॉलिकुलर यानी इसके एलिमेंट से, यानी सी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को यानी ओ टू से प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का जो सिंबल होता है वो होता है ओ टू होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है सी ओ टू। तो यानी इसको क्या कर दिया, इसके मॉलिकुलर फॉर्मूला या फिर इसके जो भी सिंबल से उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और बीच में क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं। एरो कब कब लगेगा, ये लगेगा आपके जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके और जो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा है उन दोनों के बीच में एक एरो लग जाता है। ओके, तो ये आपका होता है LHS साइड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, RHS साइड हो जाएगी। यानी RHS साइड हमेशा आपके प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, और LHS साइड हमेशा क्या लेके जाएंगे, आपके रिएक्टेंट्स लेके जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की, रिएक्टेंट्स। तो अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, एक बार मैं इसका एग्जांपल और देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम रिबन्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, मैग्नीशियम के लिए इसका सिंबल Mg, ऑक्सीजन के लिए अपन ने यूज़ कर लिया O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए क्या यूज़ कर लिया है, MgO। ओके, तो इस तरीके से इसको क्या कर दिया, ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया अपन ने, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये रिएक्शन थी, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशंस कहलाएगी, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने अभी एक टर्म यूज़ की थी, रिएक्टेंट्स। अब वो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट्स होते हैं दो सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो किस किस से मिलके बनी, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे ये जो पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, दो सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट किसने किया, Mg और O2 दोनों ने मिले, दोनों के बीच में क्या हुई, रिएक्शंस हुई, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, MgO, यानी ये प्रोडक्ट मिल गया, इन दोनों का रिजल्ट मिल गया। तो Mg क्या कहलाएगा, आपका रिएक्टेंट्स, O2 भी क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स, और ये क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को रिएक्शन दे रखी है अपने को कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोरिक क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और वाटर। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया, आपस में रिएक्शंस की, और रिएक्शंस करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाया। तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे ये दोनों, और ये भी अपने को फाइनल मिला है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात इतनी है कि जो LHS साइड यानी रिएक्टेंट्स को हमेशा LHS साइड लिखा जाता है, और प्रोडक्ट्स को हमेशा RHS साइड लिखा जाता है। ओके, ये ध्यान आपको होना चाहिए। अब आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पे C2H4 ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट हो जाएगा। O2 भी क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिसिपेट करे, और CO2 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, और वाटर भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी रिएक्शंस के अंदर क्या कर रहे, पार्टिसिपेट कर रहे, या फिर जो आपस में कंबाइन हो रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और उन दोनों की कॉम्बिनेशन के बाद जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो भी रिजल्ट्स में आपको जो भी सब्सटेंस फॉर्म होके मिलता है, वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ओके,
तो आप वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा देखिए कि इसमें कौन से रिएक्टेंट्स होंगे। तो इसमें आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे वो होंगे एफी आयरन, ये आपका रिएक्टेंट्स रहेगा, ये भी आपका रिएक्टेंट्स रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा, और ये भी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अब यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। अपन ने इक्वेशंस देख दी कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक होती है बैलेंस होती है, दूसरी होती है अनबैलेंस होती है। अब बैलेंस किसको कहेंगे और अनबैलेंस किसको कहेंगे, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट देन इक्वेशन इज नोन एज द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो इसके पता चल रहा है कि इफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स आपके हमेशा एलएचएस साइड होते हैं, अगर रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में अब हम कहेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स का ये मास कैसे फाइंड आउट किया है इस आप पूछोगे, तो ये 9th क्लास में अपन थर्ड चैप्टर है मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला, वहाँ पे फॉर्मूला बनाना और साथ में उनका मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि आपको ये मास आपको कैलकुलेट करना आता है। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, इसका जो टोटल रिएक्टेंट्स का जो मास आया है वो आया है 76.5, और यहाँ से आप इसका कैलकुलेट किया तो इसका कितना आया है 76.5, यानी दोनों ही रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शंस है वो क्या है, बैलेंस, सॉरी क्या है, केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। ये क्या है, बैलेंस है। अब कोई कहेगा कि सर मुझे मास कैलकुलेट करना नहीं आता है, मैंने 9th में कम सीखा था या सीखा ही नहीं, तो उस कंडीशन में सर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं अपन, एटम्स को कैलकुलेट करके यानी एटम्स की काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये सोडियम है, सोडियम का रिएक्टेंट साइज कितने एटम्स है, 1 एटम, इधर भी आप पूरे में चेक करोगे कि 1 है, ओके सोडियम बैलेंस है। आप इधर चेक करोगे कि सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 1, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 1 और 1 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 2, इधर भी हाइड्रोजन ये कितने हो गए 2, ओके। अब रही बात लास्ट क्लोरीन की, तो क्लोरीन इधर कितना 1, इधर भी क्लोरीन कितना 1, यानी सारे के सारे एटम्स दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है। अगर आप मॉलिकुलर फॉर्मूला या फिर उसका मॉलिकुलर मास फाइंड आउट नहीं करना आता है, तो उसकी वजह से भी अपन एटम्स को कैलकुलेट करके भी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस है या नहीं ये पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बता गया, अगर इनमें से एक भी एटम्स अगर एक अनइक्वल होता है, यानी मान लो ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन होगी वो बैलेंस नहीं होगी। अभी और आगे देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल यहाँ पे इक्वेशन, ओके यहाँ पे क्या रहेगा इक्वेशन, इफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज अनइक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट्स का मास था वो कितना था 56, प्रोडक्ट का मास कितना था 40, दोनों ही इक्वल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो मास, ये जो इक्वेशन होगी वो अनबैलेंस होगी, ओके। अब मास के अलावा यहाँ पे आप में एटम्स को कैलकुलेट करके भी पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे Mg है, Mg कितना है 1, तो इधर भी Mg के कितने, मैग्नीशियम के कितना 1, यानी Mg तो बैलेंस है। इधर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है। अगर आपके एटम्स अगर बैलेंस नहीं है तो उनका मास भी बैलेंस नहीं होगा, तो इस तरीके से भी पता करेंगे अपन। ठीक है, तो ये है आपकी अनबैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है व्हाई इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस, एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछ लेते हैं, व्हाई इज नेसेसरी टू डू
बैलेंस है केमिकल इक्वेशंस। तो कभी भी आप देखोगे कि कोई भी इक्वेशंस होती है वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही लिखी हुई होती है, और मैंने अभी तक पीछे जितने भी इक्वेशंस को यूज़ किया था वो सारी की सारी बैलेंस फॉर्म में ही लिखी हुई थी। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी आपका जो एक था नाइन्थ क्लास में एक मास लॉ था, मास ऑफ कंजर्वेशंस, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी उस लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लॉ बोलता है कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शंस, यानी मास हमेशा क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। तो मास हमेशा वो आपका डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है और नहीं वहाँ पे क्रिएट होता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमेशा आपका मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होना चाहिए इस लॉ के हिसाब से। अगर आप वहाँ पे बैलेंस नहीं करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस लॉ को भी नहीं होगा, तो वहाँ पे ये लॉ क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। इस वजह से वहाँ पे मास को क्या करना पड़ता है, इस लॉ को ओबे करते हुए कि रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास क्या करना पड़ता है, इक्वल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम ये आंसर लिखना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, सो डेट टू ओबे दिस लॉ इट इज़ नेसेसरी टू डू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशंस। इस वजह से, और यहाँ पे आप ये मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिख के आप लिख सकते हो मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, तब भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशंस। अब अपन ने समझ लिया कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप्स की होती है, और हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल के इक्वेशन इज बैलेंस और अनबैलेंस, दो तरीके की होती है, अपन कैसे पता करेंगे कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये भी पता चल गया है, और क्यों बैलेंस करना ज़रूरी है ये भी अपन ने सीख लिया है। तो अब यानी बात आती है कि बैलेंस करेंगे कैसे, क्या क्या स्टेप्स है जिससे कि अपन बैलेंस कर सकेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस होगी उसमें बहुत सारे तरीके के उसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ किए हुए होंगे, तो अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में छोड़ देना है बैलेंस करने के लिए, ये एक फर्स्ट स्टेप है जिससे कि जल्दी से हो जाए। और साथ में मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप उस एलिमेंट्स को लास्ट में छोड़िए जो सबसे अकेला है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले राइट डाउन योर केमिकल इक्वेशंस, जो भी केमिकल, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस अगर दे रखी है तो उसको सबसे पहले राइट डाउन कर लो, और उसके बाद उसको चेक करो कि वो बैलेंस है या नहीं, जैसे एटम्स का यूज़ करके। अब दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर दिया, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या किया है, एलिमेंट्स पता किए यानी एटम्स पता किए, कौन कौन से किस किस एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स है। तो आपने इस रिएक्टेंट साइड देखा तो कार्बन के कितने एलिमेंट है, 2। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के चेक किए तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, 4। उसी तरीके से ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, सॉरी एटम्स है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स है आपके 2। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड चेक करेंगे तो प्रोडक्ट साइड आपके कितने कार्बन के, 1। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन के 2, ये यहाँ से 2 आ गया हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने है, तो ऑक्सीजन के 2 यहाँ से और 1 यहाँ पे, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3। अब यहाँ पे चेक करो कि कोई भी कार्बन इधर 2 इधर 1 है, इक्वल नहीं है। अगर ये सारे के सारे इक्वल आ जाते हैं तो केमिकल इक्वेशन होगी वो क्या है, बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, अनबैलेंस है। क्या है, अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो ऑलवेज लीव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर लास्ट, बात बताई थी कि हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना है, लास्ट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन सबसे पहले, अब क्या करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे। अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉफिशियंट, जहाँ जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे ही आप कुछ नंबर्स को लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आपको यहाँ पे ही जहाँ पे कॉफिशियंट में ही नंबर्स को लगाना है। अगर आप यहाँ पे 2 को लगाओगे तो फिर C2O2 बन जाएगा, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है,
इस वजह से यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कार्बन श्रेणी में कुछ भी नंबर्स को प्लेस करना है जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए आप, इधर कार्बन के कितने 2 है, अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर देते हो ये कितना हो जाएगा, कार्बन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको ओके। अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कार्बन कितने थे 2, तो यहाँ पे अगर आप जैसे ही यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कार्बन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 2 1 2, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए 2, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, और इस 2 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, ऑक्सीजन बिगड़ जाएगा लेकिन लास्ट में सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ 2 पुट करने से यहाँ पे इस साइड कार्बन कितना हो गया 2, और इधर भी यहाँ पे कार्बन कितना हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल देखना, 2 2 4 4 + 1 5, ऑक्सीजन कितने हो गए 5 हो गए ओके। अब फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को ये लास्ट में छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ऑक्सीजन को लास्ट में इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ये देखिए आप, अकेला है, अकेला होता है, उसको बैलेंस करना बड़ा इजी होता है क्योंकि फाइनल उसी के साथ ही सब कुछ अपने को करना है, जिससे कि दूसरे की वैल्यू पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से आपसे सजेशन ये रहेगा कि जो वैल्यू, जिस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला होता है तो हाइड्रोजन को अपन यानी कंप्लीट करते, पहले हाइड्रोजन को छोड़ देते, तो यहाँ पे जो इनडिपेंडेंट है उनको फिर लास्ट के लिए छोड़ देना है। वो आप भी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे ओके। अब यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है, इधर हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ पे अपन ने 2 प्लेस किया, ये 2 2 4, और यहाँ पे ये 4, इधर भी ये 4, कार्बन पहले से ही बैलेंस हो चुका था, ठीक है, ये बैलेंस हो चुका था। अब हाइड्रोजन कितने हो, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 4, और यहाँ पे भी 2, यानी टोटल कितने हो गए 6 ओके। अब आप मुझे कहोगे सर इस साइड यानी यहाँ पे अगर आप 3 लगा दोगे तो 3 2 6 हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या किया, 3 पुट कर दिया, 3 2 6, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ओके। इस तरीके से केमिकल ये इक्वेशन होती है उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स करेंगे तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आप वीडियोस को पॉज कीजिए और इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया ओके। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके। अब इस क्वेश्चंस में करेंगे, सबसे पहले फास्ट अपन चेक करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशंस बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस यहाँ पे आप सबसे पहले चेक करोगे कि इधर जो आयरन के है वो आयरन का कितना है, 1 एटम है, इधर आपके आयरन के कितने हैं, 3 एटम्स है। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया है कि आयरन क्या है, बैलेंस नहीं है। एक भी एटम अगर बैलेंस नहीं है तो अपन क्या कहेंगे कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, वो मतलब अनबैलेंस है, यानी ये जो क्या हो गई अनबैलेंस, ये क्या है अनबैलेंस। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए सेकेंड जो स्टेप रहेगी, सबसे पहले किसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है आपका इनडिपेंडेंट है। अब मुझे हमें यहाँ पे 3 बनाने, आयरन को कितना बनाना है, 3 बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 3, आयरन कितना हो गया 3 हो गया, इधर भी आयरन कितना हो गया 3 हो गया, आई बात समझ में। आयरन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन को लास्ट के लिए छोड़ना है ओके। तो अब ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ से क्या करोगे 4 पुट करोगे, क्योंकि 4 को 1 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया,
यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यानी बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। लेकिन आप यहाँ पे हाइड्रोजन को कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ से कितना हो रहा, 2 4 8, कितना हो रहा है 2 4 8, और यहाँ पे 8 बनाना है और यहाँ पे 2 है, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास बैलेंस होगी वो कितनी होगी, 3 Fe प्लस 4 H2O गिव्स Fe3O4 और प्लस क्या हो जाएगा 4H2। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले को भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ कॉपिशियंट को पुट करके पूरी की पूरी इक्वेशंस को क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। यहाँ पे आप चेक कीजिए, देखिए Fe3 है, यहाँ पे भी Fe3 है, यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन और 4 2 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यानी ये आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको बैलेंस केमिकल सॉरी इक्वेशन दे रखी है और उसके बाद उसको क्या करना है, सिर्फ कॉपिशंस को पुट करना है और उसको करना है आपको बैलेंस। अब सेकंड इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आप कार्बन को चेक करोगे तो कार्बन इधर कितना है, 1, इधर भी कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। आगे ऑक्सीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई भी एक भी एटम अगर आपका अनबैलेंस होता है तो पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, अनबैलेंस होगी। अब यहाँ पे किसको छोड़ेंगे, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन इनडिपेंडेंट है, इसको आप आराम से बैलेंस कर लेंगे जैसे हाइड्रोजन को किया था ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, हो सकता है फिर बाद में बिगड़ जाए, कार्बन बैलेंस है तब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2 पुट करेंगे, 2 2 4, हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, कार्बन यानी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन कितने है, 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितने हो गया, 2 और 2 4 हो गए, इधर कितने है, 2 ही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या कीजिए, 2 पुट कर दीजिए। ये बड़ी सिंपल से ये आपका आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट टाइप के जो टाइप्स होगा वो, उसमें आपको क्या कहेंगे, फॉर्मूला खुद को बनाने पड़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस को क्या इक्वेशंस को पहले क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद जाके क्या हो जाएगा, उसको बैलेंस करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में दो तरीके से आपको चेक कर लिया जाता है कि आपने 9th क्लास का 3rd चैप्टर मॉलिकुलर फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा है, आपको फॉर्मूला बनाना आता है नहीं आता है, उनकी वैलेंसी का ध्यान है या नहीं है, तो यहाँ पे वैलेंसी का ध्यान भी होना चाहिए तभी जाके यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूला बनेगा तभी। अब यहाँ पे अपने को बैलेंस करना आता है लेकिन फॉर्मूला बनाने नहीं आते तब भी बात बनेगी नहीं। तो फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हमेशा क्या लिखेंगे अपन, H2 लिखेंगे। अब सर कहोगे सर चीज का सिंबल तो H ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गैस की बात हो रही है, कभी भी कोई भी रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और गैस को डायएटोमिक है। ओके, यहाँ पे H2 हो जाएगा और प्लस उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन गैस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 गिव्स द हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा HCl। अब HCl क्यों हुआ, ये फॉर्मूला आपको बनाना आता होगा, इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है उसका होता है 1 और क्लोरीन होता है उसका भी 1, ये क्या नीचे वैलेंसी है, इनको क्रॉस में ऐसे लिखते हैं और यहाँ से क्या बन जाएगा HCl। 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 1 है, HCl हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको बैलेंस करने, क्योंकि ये अनबैलेंस, इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 1 है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे 2 पुट कर दो तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2, क्लोरीन भी कितने हो गए 2, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बड़ी सिंपल थी। अब नेक्स्ट अपने पास है बेरियम क्लोराइड। ओके, बेरियम क्लोराइड और प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये फॉर्मूले थोड़े से क्या रहेंगे आपके पास, टफ है। मैं इन फॉर्मूलेस को एक बार आपको थोड़ा बना के बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब यहाँ से सबसे पहले यानी बात करेंगे बेरियम क्लोराइड।
ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, बी ए। बेरियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, बी ए। और क्लोरीन का जो सिंबल यानी क्लोराइड का सिंबल होता है सी एल। बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है आपकी 2, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है 1। आपको कुछ याद आ गया होगा, इस तरीके से आपने 9th क्लास में फॉर्मूले बनाए होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बी ए सी एल 2, ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है ए एन। सल्फेट का जो सिंबल होता है वो होता है एसओ 4। और यहाँ से एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, और सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2। तो यहाँ से जो फॉर्मूला अपने पास बन के आएगा वो आएगा Al2। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि 3 पूरे के लिए लगाना है, तो SO4 3। ओके, ये आपका फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा। इसी तरीके बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Ba, और यहाँ पे इसका सल्फेट का SO4। वैलेंसी यहाँ पे कितनी, दोनों के 2 2, कट के यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका BaSO4, क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का Al, क्लोरीन का Cl, 3 होती है 1 होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AlCl 3। ओके, इस तरीके से ये फॉर्मूले बनाने हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बनाने नहीं बैठना है, आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाएगी किस तरीके से फॉर्मूले, अगर अगर आपको आते हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप भी किया जा कर सकते थे। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बी ए सी एल 2, और प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का Al 2 SO 4 3। ये आपको देगा क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4, और प्लस यहाँ से क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मतलब AlCl3। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर बेरियम कितना है 1 है, इधर कितना बेरियम है 1 है, यानी बैलेंस है अभी। क्लोरीन इधर कितने 2, इधर क्लोरीन कितने 3। तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप 2 लगा देते हो, ठीक है, क्योंकि जिससे कि एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाए। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 2 है, तो इधर भी एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो लेकिन क्लोरीन थे वो कितने हो गए 3 2 6, और इधर कितने हैं क्लोरीन 2, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप 3 लगाओगे, तो यानी क्लोरीन देखोगे तो 3 2 6, इधर भी क्लोरीन कितने हो गए 3 2 6, एल्यूमिनियम इधर कितने 2, इधर भी एल्यूमिनियम कितने हो गए 2। अब इधर बेरियम 3 लगाने से बेरियम क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, यानी बेरियम कितने हो गए 3, लेकिन इधर बेरियम अब कितना है 1 ही है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो इससे बेरियम भी कितने हो गए 3, और सल्फेट कितने हो गए SO4 आपका कितना हो गया 3, इधर भी SO4 कितना है 3, यानी ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ओके, तो अब यानी वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाए, और अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके हमें कमेंट करके आपका रिएक्शन ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।